you mm -hmm. नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 16 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार है मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः सात बज करके पैंतीस मिनट तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है प्रीति योग बालवकरण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज सिंह राशि में दोपहर दो, दो बज करके चार मिनट तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के तैंतीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के चौदह मिनट तक का होगा वहीं राहु काल प्रातः साढ़े दस बजे से दोपहर बारह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चुरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज धनु की संक्रांति है भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर आज धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है आपके लग्न से संबंधित है दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु मेष में है मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में चंद्रमा सुंभ में दोपहर दो, दो बजे के बाद राशि परिवर्तन करके कन्या में जाएंगे तुला में है केतु और बुध शुक्र और सूर्य ये तीन ग्रह आज से धनु में शनिदेव मकर में देवगुरु मीन में गोचर कुंडली में आज गजकेसरी योग का निर्माण दोपहर दो, दो बजे के बाद होगा सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा थोड़ी देर के लिए रहेंगे प्रातःकाल शुक्र के नक्षत्र में और इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में आज ये चंद्रमा रहने वाले तो देखा जाए तो शुक्रवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सौम्यवार उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होने वाला है कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है कौन सी वो राशियां हैं जिनके सभी कार्य बेहद आसानी से बनने वाले हैं और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें प्रत्येक कार्य के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष काज मुंह देखना है कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक

गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि नौ बजकर के सोलह मिनट से रात्रि ग्यारह बजकर के तीस मिनट तक नामकरण अन्न प्राशन नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने के लिए प्रसूतिका स्नान गृह प्रवेश और नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करनी है इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त दोपहर दो, दो बज करके अड़तालीस मिनट से शाम चार बज करके पैंतालीस मिनट के बीच है और साथ ही साथ उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त प्रातः दस बजे से लेकर के दिन में ग्यारह बजकर के बैतालीस बयालीस मिनट के बीच मिल रहा है याद रखिएगा ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है इधर कई दिनों के बाद आया है इस मुहूर्त का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा अगर आप किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हैं चाहे वो कितना भी जटिल रोग क्यों ना हो याद रखिए स्नान भर मात्र से आपको राहत मिलने लगती है तो आप इस समय का अवश्य इस्तेमाल करिए संपत्ति विभाजन पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना है तो प्रातः साढ़े दस बजे से दस बत्तीस से ग्यारह बजकर के बीस मिनट तक और आज बैंक में धन जमा करने के लिए अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें दोपहर दो, दो बज करके अड़तालीस मिनट के बाद और शाम चार बजकर के पैंतालीस मिनट से पहले तो तीन बजे के बाद बैंक का काम लगभग समाप्त ही हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में तो यही है सरकारी में भी लगभग लगभग यही है तो बड़ा कम समय है इस दौरान कुछ पैसा अपने अगर आप जाकर के कैश ऑनलाइन की तो कोई मतलब ज़्यादा नहीं है कुछ कैश पैसा अगर है तो जाकर के जरूर डाल दीजिएगा प्रिय दर्शकों लग्न की लग्न की चर्चा या लग्न को बलवान करने की चर्चा बीते कई दिनों से चली थी बीच में लगभग नौ लग्नों की चर्चा हो गई थी तीन की बाकी रह गई थी आज उसी की हम चर्चा करेंगे याद रखिए जन्म कुंडली में लग्न बलवान तो राजयोगों का लाभ और जन्म कुंडली में लग्न कमजोर तो फिर राजयोग का लाभ भी कम ही मिल पाता है आज का जो पहला लग्न है वो वृषभ है अगर आप वृषभ हैं और आपके लगन और लग्नेश कमजोर हैं, तो सबसे सरल उपाय है सफेद रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करना अधिक से अधिक करना आप जब भी वस्त्र पहनिए सफेद रंग का स्फटिक धारण करिए स्फटिक की माला गले में धारण करिए सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर अवश्य नियम से लगाइए। प्रातः काल तो लगा ही लीजिए चांदी का इस्तेमाल करिए रजत भस्म खाना हीरक भस्म खाना चांदी अब आपकी उम्र हिरक भस्म खाने की नहीं है तो कोई बात नहीं चांदी की चेन या चांदी का कड़ा गले में धारण करिए गरीब और कैसे विशेषकर अपाहिज लोगों की मदद करिए तो इससे आपके लग्न और लगने दोनों बलि हो जाएंगे अब इसमें देखिए ऐसा आप समझ सकते हैं कि कोई भी उपाय बहुत कठिन तो है नहीं अब एक प्रश्न खड़ा होता है अपने चार पांच उपाय बताए कौन सा करूं वैसे तो सब कर सकते हैं कोई एक करिए कंटिन्यू करते रहिए लाभ हो जाएगा आपको आपके लग्न और लग्नेश बलि हो जाएंगे दूसरा लग्न मिथुन है यदि आप मिथुन लग्न के हैं और आपकी कुंडली में लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ रहे हैं अगर मजबूत है तब भी करिए क्योंकि लग्न और लग्नेश को ही सबसे ज्यादा बलि करना होता है जब भी स्नान करिए विशेषकर बुधवार के दिन पानी में थोड़ा फिटकरी डाल करके और उसी पा जल से स्नान करिए हरा मूंग खाने में अधिक से अधिक इस्तेमाल करिए हरी चीजों का इस्तेमाल करिए गणेश रुद्राक्ष आप आजीवन धारण करके गले में अपने रखिए बहते जल में सोमवार के दिन कच्चा दूध प्रवाहित करना भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा और गणेश जी के मंदिर में नियम से जाना सायंकाल और घी का दिया जलाना एक और दूसरा जब भी ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो ग्रहण के उपरांत सूखा दान करना इससे आपके लग्न और लगने से दोनों बलि हो जाएंगे इसमें एक भी उपाय ऐसा नहीं है जो बहुत कठिन है बहुत महंगा है सब किया जा सकता है और आखिरी लग्न बाकी रहा यह है कन्या लग्न अगर आप कन्या लग्न के हैं और लग्न और लग्नेश अर्थात बुध कमजोर हैं लग्न कमजोर है तो सौंफ और हरी इलायची का आप अधिक प्रयोग करिए खाने पीने में सफेद रंग का रुमाल अपने पास सो रखिए हरे रंग का भी रख सकते हैं सफेद रंग का रुमाल ज़्यादा अच्छा है आप भी पानी में फिट करी डाल करके स्नान किया करिए तुलसी की माला गले में धारण करिए यह आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा और लक्ष्मी जी के मंदिर में जब आपके पास धन की स्थिति अच्छी हो तो एक बार 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 जब आपकी जितनी श्रद्धा और इच्छा हो लक्ष्मी जी का वस्त्र अवश्य मंदिर में अर्पित करिए दान करिए उनको जब भी उनका वस्त्र बदला जाए तो आपके द्वारा दिया नया वस्त्र उनको दिया जाए बदला जाए तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा फिर से वही बात आती है कि उपाय मैंने जितने भी बताए अब इसमें कठिन और सरल की बात करें तो कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है सरलता से आप कर सकते हैं और सबके लिए जिनके लग्न बली हैं वो भी कर सकते हैं तो प्रिय दर्शकों इस तरह से देखा जाए तो लग्न को बलवान करने का लग्नेश को बलवान करने का कुछ सरल उपाय वाला एक कार्यक्रम मैंने किया था वो कार्यक्रम पूरा हुआ ये ठीक है कि बीच बीच में गैप हो हो करके हुआ लेकिन कार्यक्रम पूरा हुआ मैं हमेशा से यही प्रयत्न करता हूं कि नीरस न हो जाए सबके लिए आनंद आता रहे ऐसे कार्यक्रम बना सकूं आने वाले दिनों में जन्म कुंडली के और किसी न किसी भाव को बलि करने के लिए क्या उपाय करना है क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई भाव ऐसा है जिसको बलि करना है दाम्पत्य भाव है पंचम भाव है भाग्य भाव है लाभ भाव है धन भाव है सुख भाव है तो इनको बलि कर, कर करे बिना कार्य क्षेत्र में कर्म भाव है उनको बलि किए बिना कहीं ना कहीं कही जीवन काल में परेशानी तो बनी ही रहती है तो उनको बलवान करने का उपाय लेकर के मैं आप सबके समुख राशिफल में उपस्थित होऊंगा अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है दोपहर के पश्चात ये राशि से आपके षष्ठ में जाएंगे देखा जाए तो प्रातः थोड़ी देर के लिए शुक्र और इसके पश्चात फिर पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में होने के चलते दिन अच्छा है गोचर कुंडली में सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है वो निसंदेह आपके लिए बहुत ही अच्छा है कुल मिलाकर के चंद्रमा का आपके ऊपर इतना ही प्रभाव होगा कि विचारों में अस्थिरता उत्पन्न होगी परंतु लाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है कार्यस्थल पर भी दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है विपरीत के प्रति मन में जो भी विचार उत्पन्न हो उसे अपने तक ही सीमित रखिएगा अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिएगा और व्यापारी हैं तो सचेत होकर के काम करिए व्यापार में आज किसी भी तरह की बिना विचारे कोई निर्णय नहीं लेना जल्दबाजी नहीं करना और साझेदारी में व्यापार है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के तूतू -तू, मैं मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है हालांकि कुल मिलाकर के आपके पक्ष में ही है दिन ऐसा नहीं कि कहीं से आपको कोई विशेष परेशानी है और एक और बात पहले तो कोई जल्दबाजी में फैसला कोई बड़ा फैसला नहीं है जल्दबाजी में लेना है और आपके जो भी बड़े हैं शुभचिंतक माता पिता भाई बहन जो भी उनकी कही बात को आज आपको माननी है जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपने बना रखा है जा सकते हैं जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका लगभग ठीक है स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है पंचाक्षर स्त्रोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज सफेद है निवेश इत्यादि भी करते हैं तो कर सकते हैं वृषभ के लिए गोचर कुंडली में सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है आपकी राशि से अष्टम में ये बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा और चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ और फिर इसके पश्चात पंचम में जाना आय से अधिक व्यय की स्थिति उत्पन्न करेगा पारिवारिक हो या पेशेवर हर मामले में आज छुटफुट परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी हर क्षेत्र में आपको संतुलन बना करके चलना होगा मीटिंग वगैरह लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है खान पान पर नियंत्रण रखना होगा स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और ये ध्यान रखिए कि आज जितना हो सके समझदारी से काम लीजिए कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके माथे डाली जाएगी तो इसका भी दबाव आपके ऊपर होगा हालांकि अच्छी बात यह है कि परेशानियों के पर बावजूद परिवार का समर्थन आपको मिलेगा कारोबारियों की बात करूँ तो कारोबार में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है हालांकि लाभ में कमी होगी बिना सोचे समझे हर बात पर टीका टिप्पणी करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और प्रेमियों के भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा प्यार का इजहार न करें प्यार का इजहार अगर आप करते हैं तो वो असफल होंगे और परेशानी होगी सो अलग विद्यार्थियों की बात करूं तो समय सामान्य है बहुत अच्छा नहीं है जरूरत पड़ने पर जो मदद आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान होंगे प्राता काल पक्षियों को दाना डालिएगा लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए आज हरा है निवेश से भी आप बचिए और मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति अगर देखें तो चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ में जब होगा दोपहर के पश्चात तो गृह कलह शाम तक और दाम्पत्य जीवन में सूर्य का परिवर्तन भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज बड़ा धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना वैसे दिन कार्य क्षेत्र में कहीं परेशानी लेकर के नहीं आ रहा है यूं समझ लीजिए कि बस आप कदम आगे बढ़ाइए काम आपके होंगे बस पारदर्शिता के साथ काम करिए बड़े फैसले जो भी ले रहे हैं जो आपके भरोसेमंद लोग हैं उनसे राय मशवरा करके लीजिए बाकी कार्यक्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आप मेहनत से जी मत चुराइए सफलता आपको मिलेगी पिता के साथ संबंध में थोड़ी अनबन हो सकती है अनबन तो आज जीवन साथी के साथ संबंध में भी हो सकती है उसे सुलझाने की आपको कोशिश करनी है व्यापारियों की अगर बात करूँ तो व्यापार ठीक ठाक है अगर आप पैतृक व्यापार करते हैं या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल करके व्यापार करते हैं तो जरा सचेत रहिएगा और कोई बड़ा निवेश करने से पहले कोई बड़ी खरीदारी करने से पहले अगर ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी होगी आपको तभी आप सफलता आपको मिलने वाली है व्यर्थ में व्यय करने से बचिए और जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिए आज या तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आए जीवन साथी के साथ तुतुमय में मतभेद हो अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकती है विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सीने में दर्द की शिकायत है सूर्य का यह परिवर्तन व्यापारियों के लिए वैसे ठीक है लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार है तो परेशानी पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण आज आपको लाभ देगा लकियन का आपके लिए आज नौ लकी कलर ब्राउन निवेश जानकार की राय से कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से ष्ठ में कोई खराब नहीं है और बाकी चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय और फिर तृतीय में जाना आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन को आपके लिए ठीक कहूंगा अनुकूलता बनी रहेगी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी है पिता का सम्मान करना है और नज़दीकी रिश्ते माता पिता भाई बहन जिनके साथ भी अनबन हो उसे दूर करने का ही प्रयत्न करना है कार्यस्थल पर है तो आज अतिरिक्त अत्र, जिम्मेदारी अतिरिक्त बोझ आपके माथे पर डाला जाएगा परंतु कुछ नहीं आप कुछ नया सीखने को मिलेगा ऐसा विचार करके उसे अवसर समझ करके आगे स्वीकार कर लीजिए और कदम आगे बढ़ाइए व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलेगी सफलता में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है वाणी पर नियंत्रण जरूरी है सूर्य के इस परिवर्तन से आपको तो संभव है कि नए प्रतिद्वंदी और नए शत्रु पैदा कर लें हालांकि अंततोगत्व तो विजय आप ही को मिलेगी परंतु जोश में आकर के होश गंवाना व्यर्थ के विवाद पैदा करना इससे बचना होगा लव लाइफ के बीच अगर देखें तो थोड़ी गलत फहमी दिखाई पड़ रही है हालांकि फिर बाद में सब दूर भी हो जाएगा पर परेशानी होगी दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है प्रेम संबंध के मामले में मैं कह चु, चु, चुका हूं कि चिंता रहेगी विद्यार्थियों के लिए बेहद अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है इस दिन किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं बस नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए दिन ठीक है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आज गाय की पूजा करिए अब गाय की पूजा करना हर किसी के बस की बात नहीं तो गौशाला में कुछ धन दान दे दीजिएगा और गाय को गुड़ खिलाइएगा लकी अंक चार लकी कलर आपके पीला है निवेश भी कर सकते हैं के के जातकों लिए अगर देखें तो गोचर कुंडली में चन... सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से जो कि पंचम में हुआ है ठीक है पंचम के परिवर्तन को आपके लिए ठीक ही माना जाएगा और बाकी अगर देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ और चंद्रमा का आपकी राशि पर और फिर इसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय में जाना सामाजिक तौर पर अगर आज के दिन को मैं कहूं आपके लिए तो ठीक है सफलता देने वाला है दिन सूर्य का परिवर्तन भी आपके लिए बढ़िया है बस अपना व्यवहार सबके प्रति जरा सकारात्मक और सहयोगात्मक रखिएगा अहंकार का पुट अपने विचार में अपने स्वभाव में कहीं मत आने दीजिएगा अहंकार के चलते आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे नौकरी के लिए प्रयत्नशील है नई नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो नई नौकरी का प्रस्ताव आपको शीघ्र ही मिलने वाला है कार्यस्थल पर आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही आप पूरे दिन आत्मविश्वास से भरे रहेंगे व्यापारियों की बात करी जाए तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को ठीक ही कहा जाएगा कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं कोई उलझन है उसे सुलझाने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है आज का सिंह राशि के जातक सूर्य का परिवर्तन हुआ है पंचम में झूठ बोलने से बचिए मद्यपान से दूरी बना करके रखिए प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है और आंखों का भी अपने ख्याल आपको रखना होगा आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है बजरंग बाण का पाठ या श्रवण लाभप्रद होगा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और निवेश कर सकते हैं कन्या के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें में है आपकी राशि पर आएंगे और सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ में हो रहा है जो कि बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है यह परिवर्तन कहीं ना कहीं परेशानी लेकर के आ रहा है पारिवारिक परिवारि, समस्याओं को प्रदर्शित करा रहा है गृह कलह की संभावनाओं को दर्शा रहा है हालांकि अच्छी बात यह है कि देर से देर समस्या का समाधान हो जाएगा पर फिर भी परेशानी होगी कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो लाभ में कोई कमी तो नहीं है परंतु उच्च अधिकारियों से अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिल पाएगा आपको और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में संभव है कि आपको आपकी परेशानी हो हालांकि एक बात तय है कि आपका पक्ष अंतो मजबूत होगा पर फिर भी यह चिंता आपको सताएगी किसी को धन उधार मत दीजिएगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए प्रतिकूल ही है दिन प्रेम के क्षेत्र में प्यार का इजहार बिल्कुल न करें और विद्यार्थियों की बात की जाए तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी है आपको तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी वो उचित सफलता मिलेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी नींद की कमी रहने वाली है आज महामृत्युंजय मंत्र का इक्कीस बार जब करिएगा लकी अंक पांच लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है तो वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना ठीक है सूर्य का जाना आज परिवर्तन करके ठीक है चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ और फिर उसके पश्चात दोपहर के बाद दो बजे के बाद व्यय में जाना ठीक ठीक ही है सारे जरूरी काम आपके बनेंगे दिन के उत्तरार्ध होते होते छिटफुट व्यायाधिक या परेशानी आ सकती है वैसे बाकी का दिन बहुत अच्छा है धन लाभ कराने वाला है करियर में प्रगति पर कहीं कोई ब्रेक नहीं दिखाई पड़ रहा है जो भी मौके मिलेंगे आपकी सफलता के लिए ही मिलेंगे कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो दिन बढ़िया है लोग आपके लिए जहां भी आप रहे मददगार ही होंगे किसी और को जरूरत पड़े तो आप भी मदद करिए मतलब मदद लेनी भी है और मदद देनी भी है अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी आपके काम हैं उन कार्यों को आज बनते हुए देख रहा हूं उन कार्यों के मामले में दिन अनुकूल है और व्यापारियों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा व्यापारिक सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा का आपको लाभ होगा संभव है कि वही यात्रा इत्यादि में छिटफुट परेशानी हो विवाद से आपको दूर रहना होगा कर्ज ले सकते हैं दे नहीं सकते हैं जीवन साथी का हर क्षण आपको सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी के साथ से आपको लाभ मिलेगा विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव अगर देख रहे थे आप तनाव से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति तो थोड़ी सी है वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर तनाव इत्यादि से परेशान थे तो राहत भी मिलेगी एक काम करिए शिव मंदिर में जाकर के आज कोई भी सफेद पुष्प की माला शिव जी के ऊपर या शुभ सफेद पुष्प शिव जी के ऊपर अर्पित करिए लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए पिंक है निवेश अवश्य करिए वृश्चिक के लिए सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से द्वितीय में हो रहा है यानी धनु संक्रांति अच्छा है और चंद्रमा की यदि बात करें तो आपकी राशि से दशम में है लाभ में जाएंगे तो ये भी अच्छा है सूर्य के परिवर्तन से वाणी में थोड़ी कठोरता आएगी लेकिन अपने ताकत अपनी सहन शक्ति अपने ज्ञान के दम पर आप हर कठिनाई को पूरा कर सकेंगे पार कर सकेंगे समय के साथ आप आगे बढ़िए ये समय आपके पक्ष में है भाग्य का साथ मिल रहा है धन लाभ में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा करिए विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं और कार्यक्षेत्र में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो इस मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो दिन बहुत अच्छा ही है आपके लिए बल्कि कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है अधिकारियों से किसी बात को लेकर के अनबन थी या उनका दबाव आपके ऊपर था तो वो दूर होगा और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में दिन धन प्रदायक बना रहने वाला किसी करीबी मित्र की मदद आपको मिलेगी जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत उठाइए दाम्पत्य जीवन में आपके स्थिति सुखमय दिखाई पड़ रही है कहीं कोई दिक्कत नहीं है हालांकि जीवन सूर्य के इस परिवर्तन के बाद से कहीं अच्छी स्थिति आएगी परंतु यह ध्यान रखिएगा कि आपकी कड़वी वाणी के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न हो तो बात अलग है विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ या श्रवण करिए लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है निवेश भी कर सकते हैं धनु के जातकों की यदि बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नौ में होना या चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दसवें में जाएंगे सूर्य का परिवर्तन जो है वो दोपहर के बाद हो दो बजे के बाद सूर्य प्रातः काल ही आपकी राशि पर जो है परिवर्तित होकर के आ गए हैं लग्न में ही आपके यानी चंद्र कुंडली के दृष्टिकोण से आपके लग्न में जो कि आपका भाग्योदय कराने जैसा है दिन अच्छा है धन स्थिति में सुधार दिखाई पड़ रहा है कुछ बड़े और अच्छे अवसर मौके आपको मिलने वाले हैं टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं भाग्य आवश्य, आपके साथ है सो चिंता करने की आवश्यकता नहीं जो काम आसानी से हो रहा है उसे होने दीजिए व्यर्थ का प्रेशर लेना ही नहीं आपको नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है योजना बनाकर के काम करिए परंतु लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरती है सबसे ज्यादा जरूरी है दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं अं� करना जीवन साथी से सहयोग मिलेगा जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में जीवन साथी से मदद मिलेगी दाम्पत्य जीवन में तो खुशहाली है ही विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कहीं अच्छी सफलता यानी कुल मिलाकर के सूर्य का परिवर्तन आपके लिए जबरदस्त सिद्ध हो रहा है जो भी परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है वो सब आपको संतुष्ट करने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य के कारण सिर दर्द और मानसिक टेंशन थोड़ी बढ़ेगी सिर दर्द ही बढ़ेगा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का आज पाठ करेगा और सूर्योदय के बाद तक मत सुगा मद्यपान मानसार से दूरी बनाएगा लकी अंक चार लकी कलर बैंगनी है निवेश अवश्य करिए मकर के जातकों की बात करूं तो सूर्य का परिवर्तन तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना जब ये नौ में पहुंचेंगे दोपहर के बाद तब कही न कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आपको मिलेगा लेकिन आज जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना दिन धन हानि कराने वाला है परेशानी कराने वाला है कार्यस्थल पर भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं जो काम शांति से हो जा रहा है हो जाने दीजिए आज नाम कम मिले मान सम्मान कम मिले चलेगा दिन शांति से बीते ये चाहिए साथ के लोगों से सहयोग भी कम मिलेगा संभव है कोई आपकी चुगली भी कर दे तो कोई गुप्त योजना कोई गुप्त बात अपने मन में आपने रखी है किसी से शेयर मत करिएगा व्यापारियों के लिए बात करूँ तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचना होगा थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान देने वाली है भाग्य के भरोसे मत रहिए भाग्य का साथ कम मिलेगा और जीवन साथी की अगर हम बात करें आपके तो जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है गोचर कुंडली में सूर्य का परिवर्तन बारहवीं में होना कही न कहीं ना कहीं व्ययकारक स्थिति और बाकी अगर देखें तो शाम होते होते घर परिवार से सहयोग तो अवश्य मिलेगा जिसके चलते आपकी चिंता परेशानी थोड़ी कम होगी थकान तो रहने ही वाला है थकान आज आप महसूस करेंगे स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है और जिन लोगों को जो हार्ट पेशेंट हैं या माइग्रेन के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें आज गायत्री मंत्र का इक्कीस बार जब करिए लकी अंक चार और लकी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश से भी बचिए तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में जो भी परिवर्तन हो रहा है सूर्य का परिवर्तन तो अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए बाकी देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना ठीक और आपकी राशि से जब ये अष्टम में जाएंगे तब भी लगभग लगभग दिन ठीक है सबसे घुल मिल जाइए जहां भी रहिए मुस्कुरा करके मिली धन संबंधी अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी कारोबार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी कारोबार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना है तो समय आपके लिए अब ठीक होगा पर भी देखें तो सब कुछ ठीक सूर्य का परिवर्तन आपके लिए धन लाभ कराने वाला है कुल मिलाकर के आपकी हर कोशिश सफल होती दिखाई पड़ रही तो है तो करिए और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को लाभप्रद कहा जाएगा बड़ा लाभ दिखा रहा है दिन कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए निवेश से आपको फायदा मिलेगा परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरती लापरवाही से आपको नुकसान होगा और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है तो कुल मिलाकर के दिन आपका अच्छा है विद्यार्थियों के लिए भी मैं मेहनत भरा कहूंगा दिन को लेकिन बढ़िया कहूंगा मन पढ़ाई में आपका लगने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जरूरी चेकअप आपको करा लेना होगा संभव है कि आपको गले में दर्द से संबंधित तकलीफ हो आज हनुमान जी के मंदिर में तिल तेल का दिया जलाइए इससे लाभ होगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश करें मीन के जातकों के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत अच्छा है बाकी चंद्रमा का आपकी राशि से ष्ठ में होना और इसके पश्चात राशि से सप्तम में जाना बस गुस्से पर उत्तेजना पर नियंत्रण बना करके रखना है जहां तक संभव हो सके सबका सम्मान बने बना रहे आपका भी बना रहे सामने वाले का भी सम्मान बना रहे तो इसी विचार के साथ आगे बढ़ना है जरूरत पड़ने पर सबका सहयोग भी करना है आपके भी बिगड़े काम तभी बनेंगे जब सब आप सबकी मदद करें तो कुल मिलाकर के मेहनत भरा है दिन लेकिन आप मेहनत से पीछे मत हटिए तो सफलता मिलेगी कहीं भी विवाद आज उत्पन्न नहीं होने देना है विवाद की अवस्था में आपकी बदनामी होगी कोई नया काम शुरू करने के बजाय उचित तो यही होगा कि नियमित काम करें वैसे गोचर कुंडली में सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है आज संभव है कि प्रातः काल जीवन साथी के साथ तूतुमय हो गृह कलह हो या अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी हो व्यापारियों के लिए दिन वैसे ठीक है व्यावसायिक सफलता दिलाने वाला है दिन कहीं पैसा रुका हुआ था फंसा हुआ था वो पैसा वापस आ रहा है हालांकि व्यर्थ के व्यय से तो तब भी आपको सचेत रहना है जीवन साथी का साथ मिलेगा प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा और पार्टनरशिप में व्यापार है तो आपका काम बढ़िया दिखाई पड़ रहा है मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है अगर कोई गलती पिछले दिन हुई थी आपसे तो उसमें सुधार कर सकते हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है हां कफ जन रोग की संभावना हो सकती है सो ठंडे ठंडा गर्म ऐसे खाद्य पदार्थों से जरा सचेत रहना होगा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा लकी अं के पांच लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है निवेश भी आप करें तो प्रिय दर्शकों यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार